अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, होपफुली जी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत अच्छे से और प्यार से व्लॉग लेके आपके दुनिया हाजिर हुई हूँ। और यहाँ पर आज बेड की शीट जो है फाइनली चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ सर्दी, ठीक है। अब मोटी बेड शीट बिछा दी हम लोगों ने और यहाँ पर तकरीबन टाइम हो गया था, यहाँ पे टाइम तकरीबन 12 का हो चुका था और यहाँ पे बाहर भी तकरीबन सारी सफाई जो थी वो ठीक हो रही थी। और एक सेटिंग और की हम लोगों ने, यहाँ पे मोप लग रहा है, LCD को बाहर लगा दिया गया है और बाकी सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं तकरीबन, और नाश्ता भी बन चुका है। ये देखिए तकरीबन सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं और अब सिस ने यहाँ पे सफाइयाँ सारी की और मैंने जो है वो नाश्ता बना लिया। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, बर्तन धो लिए थे, पहले सफाई हो चुकी थी और हमारा करने वाला कोई काम भी नहीं था। और यहाँ पे मम्मा जो हैं वो मैं लेके आई थी मिर्ची और लीमू, मम्मी ने मंगवाए थे बाज़ार से, और दो जो हैं वो आधा आधा किलो की सरसों की बॉटल भी तेल की मंगवाई थी मम्मा ने। मम्मा ने कहा कि ताकि सर्दियों के लिए बना लेते हैं मज़ेदार सा अचार, ताकि सर्दियों में हम दो मिर्चें निकाल लें, एक लेमन निकाल लें, बड़ा अच्छा सा सब नाश्ता होता है। मैंने कहा क्यों नहीं मम्मी, अगर आप कह रही हैं नेकी और वो भी पूछ पूछ के। तो खैर मैं जी यहाँ पर अम्मी काट रही थी और ये मम्मा मिक्स मसाला लगा रही थी। अच्छा जी, ये मसाला अचार को वो लग रहा था कि मैंने ना जो नमक मिर्चों वाले बॉक्स है उसमें मसाला डाला था, वो बच्चों से नीचे गिर गया, सारे मसाले मिक्स हो गए। उसमें गरम मसाला भी था और सूखा धनिया था, ग्रैंड हुआ हुआ नमक था, मिर्च था, हल्दी थी, वो सारे मसाले मिक्स हो गए। मम्मा ने वो निकाल लिए मिक्स मसाले, तो क्योंकि हर हांडी में तो नमक उसमें ज़्यादा था, उतनी क्वान्टिटी से नहीं डलेगा। फिर मम्मा ने ये ना सारा मसाला अचार को लगाया। इस मसाले से पहले भी मम्मा ने अचार डाला, इतना टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सारे मसाले थे, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ मम्मा ने नहीं ऐड की, और मम्मा ने थोड़ी सी इसमें कलौंजी ऐड की और थोड़ा सा मम्मा ने इसमें नमक और ऐड किया, और जो हैं रेड चिली के फ्लेक्स जो होते हैं बीच वाली जो मिर्ची होती है थोड़ी मोटी मोटी बनी होती है वो मम्मा ने इसमें ऐड की। और यहाँ पर जी मम्मा लगा रही थी मसाला इसको, और हमने कहा चले धूप है मज़े से थोड़ा सा थोड़ी धूप भी सेकते हैं और सारा मसाला भी लग जाएगा अचार को। और आपको पीछे अजान की आवाज़ भी आ रही होगी कि अजान बस कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। और यहाँ पे मैं बाहर निकली इस टाइम पे जो थे वो LED नहीं लगी हुई थी, हम लोग तैयारियाँ कर रहे थे, मैंने कहा चले टेबल का जो है वो शीट भी चेंज करते हैं। मैं शीट लेके आई थी उसको बिछाने के लिए और साथ LED हमने कहा बाहर लगाते हैं TV लाउंज में, ताकि बच्चे जो है थोड़ी देर अजहान जो है उसको फ़ोन नहीं देते, वो LED पे कार्टून देखता है। और केबल भी ख़राब हुई थी, चलें केबल भी मेंटेन हो गई थी, तो हमने कहा चलें इधर TV लॉन्च पे जो LED लगा रहे थे। और यहाँ से बंदे के काम चेक करें, पहले सारे ये खिलौने ख़राब करके गया, अब शापर लेके उसमें डाल रहा है। और यहाँ पे फिर मैं ये पापड़ लेके आई थी बाज़ार से, मैंने कहा चलें इनको चेक करते हैं, बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ पर अली कुछ सेटिंग कर रहा था, फिर हमने ओवन साफ़ किया और ये कपड़ों थे बच्चों के, वैसे निकले पजामे और पेम्पर वगैरह उसमें पड़े थे कि एमरजेंसी में कोई चीज़ ज़रूरत हो तो यहाँ से उठाई जा सके। यहाँ पर LED लग रही थी। और यहाँ पे फिर हम छोटा सा मिलाद करवा रहे थे, बच्चे सारे ट्यूशन के बैठे हुए थे। खाना बनाना तो मेरा चुटकी का काम है, लेकिन कभी कभी मेरा ये चुटकी बजाने का दिल नहीं करता। ये डायलॉग आपने सुना होगा। फिर हमने कहा जी क्यों ना बाहर से कोई चीज़ मंगवाई चाहिए। मैंने सबसे पूछा क्या मंगवाऊँ, बाहर का सालन मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, बल्कि कोई भी नहीं खाता घर में, माँ सवाए नाश्ते में कभी कभी चने जब हमारा मूड हो। फिर हमने शामी मंगवा ली और साथ फिर हम लोगों ने जो है बीफ कबाब मंगवा लिया। और मैंने कहा चलें शामी कबाब जो डाल कर अंडा डालकर उसकी ज़रा तरकारी सी बनाते हैं। फिर ये रेसिपी मैंने देखी हुई थी नेट पर, मैंने कहा चलें जी
ये भी मैंने टमाटर डाल दिए और मैंने कहा सर अच्छे से ये फ्राई हो जाए, और फिर इसके अंदर जो है वो हम थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चियाँ डालेंगे और शामी डाल के तोड़ लेंगे, फिर अंडे इसके अंदर डालेंगे, इसको मिक्स करके एक मखसूस से किस्म के सालन की शक्ल दे देंगे इसको। यहाँ पे जी तकरीबन तकरीबन जो मेरी रेसिपी थी वो अपने अख्ताम को पहुँच नहीं जा रही थी, और फिर हमने इसमें जो है 3 अंडे डाल दिए, और डालने 2 थे हमने 3 डाल दिए। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, और जैसे कि मैंने पहले बताया रेसिपी को आप देखते जाएँ साथ और मेरी बात भी एक सुनते जाएँ, कि आज की बहुत जो है अच्छी एक बात, मतलब रोज़ मेरे ब्लॉग में एक अच्छी बात होती है जो मैं खुद भी करती हूँ, और जो मैं वही बात करती हूँ जो मैं खुद करती होती हूँ, जो जिस बात का मुझे पता नहीं होता, ऑथेंटिक बात नहीं होती वो मैं नहीं करती होती, कि अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी जो है वो आदत रखनी चाहिए, काम रखना चाहिए एक अच्छा जो काम आए बंदे को, अपने दस्तरखान को जो ना रिस्क को वसी करने के लिए अपने दस्तरखान को वसी करने सब इस्तेमाल हैं आप, तो कुछ एक्स्ट्रा लोगों का खाना बना दिया करें, मतलब 7 बंदे आप घर के हैं तो खाना जो है वो 10 बंदों को बना दें आप, 2 आपके कोई आसपास गरीब है, कोई मतलब डिज़र्व करता है या कोई इस चीज़ का हकदार है, तो आप ज़रूर उसके हाँ सालन भी जवा दें, खाना भी जवा दें, खुशी भी होती है, और लेन देन से जो है ना हमारे आपस के अखलाक मोहब्बत और प्यार बढ़ता है, और हमारा दीन भी हमें ये इस चीज़ की दावत देता है, हमारा दीन जो है वो ये चीज़ बताता है, स्पेशली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये चीज़ हमें मिलती है, और मैं दुआ गो हूँ सबके लिए कि अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नेकियाँ करनी चाहिए, छोटी छोटी नेकियाँ जो हैं गठी होती हैं दरिया बन जाता है। चलिए जी ये थी आज की अच्छी बात, मेरी बात अच्छी लगी तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, इसमें आपका टोटली फ़ायदा है। यहाँ पे तकरीबन जी सालन भी अपने अख्ताम को पहुँच गया था, और फिर हम लोगों ने जो है कहा कि जल्दी जल्दी खाना खाया जाए, और खाने खाने के बाद हमेशा सबको पता है कि मैं वॉक पे जाती हूँ, और फिर यहाँ पे हमने खाना लगा दिया दस्तरखान, और भी चीज़ें थी, तो अभी मेरे पास मोबाइल था मैंने कहा ये शॉट ले लेते हैं, और यहाँ पे जुहान भी बेताब खड़ा था खाना खाने के लिए। ये थी आज की सारे दिन की रोटी, आपने मेरे जो है व्लॉग को एंजॉय किया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट शॉट अच्छे और प्यारे से व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए, अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।